पर मथुरा के बलदेव इलाके के पटलोनी गांव में सैकड़ों लोगों ने फाइनेंस कराने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया। आपको बता दें कि फर्जी तरीके से अंगूठा लगाकर फाइनेंस के पैसे अपने खाते में ट्रांसफर किए गए। वहीं बैंक मैनेजर सहित चार लोगों के खिलाफ थाना बलदेव में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। वहीं आरोपी फरार है, पुलिस घटना की जाँच में जुटी हुई है। थाना बलदेव इलाके के पटलोनी गाँव में सैकड़ों लोगों के साथ लोन दिलाने के नाम पर उनसे 1500 रुपए लिए गए। उसके बाद उनका आधार कार्ड, अंगूठा, निशानी भी ले ली गई। जब ग्रामीणों का लोन हो गया तो उनके खाते में फर्जी फिंगरप्रिंट तैयार कर पैसे ट्रांसफर कर लिए गए। घटना की जानकारी के बाद पीड़ितों को ही तो पीड़ितों ने बैंक पर जाकर अपने अकाउंट चेक कराए, जिसके बाद पीड़ितों ने स्थानीय निवासी सोनू व उसकी पत्नी से संपर्क साधा, क्योंकि सोनू और उसकी पत्नी गांव में मिनी बैंक संचालित कर रहे थे। उसी की आड़ में उन्होंने इस धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया है। स्थानीय निवासी सोनू और उसकी पत्नी ने पैसे वापस करने से मना कर दिया और गांव से फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने थाना बलदेव में पटलोनी निवासी सोनू और उसकी पत्नी और एक बैंक मित्र हरेंद्र और इलाहाबाद बैंक पटलोनी शाखा के मैनेजर उदय सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि इन लोगों ने एक संगठित गिरोह बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की, उनके पैसे अकाउंट से निकाल लिए और लोन कराने के नाम पर उनसे अवैध वसूली की। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी फरार है, पुलिस घटना की तहकीकात कर रही है। जानकारी के अनुसार पटलोनी निवासी सोनू गांव में मिनी बैंक चला रहा था, जिससे लोगों के खाते खुलवाए और उन्हें समूह में बिना गारंटी के 25,000 से 30,000 रुपए का लोन दिलाने का वादा किया। स्थानीय लोगों से सोनू और उसकी पत्नी ने आधार कार्ड व उसके फिंगरप्रिंट भी ले लिए, जिसके बाद जैसे ही खाते में लोन का पैसा आया तो सोनू ने उन खातों से उस पेमेंट को अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया। जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों को हुई तो उन्होंने सोनू से अपने पैसे की मांग की, लेकिन सोनू ने उनके पैसे वापस नहीं किए, जिसके बाद सोनू गांव छोड़कर भाग गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। वह पीड़ित पटलोनी निवासी हरदेव सिंह ने बलदेव थाने में बैंक मैनेजर सहित चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। क्या नाम है आपका? अरुण दीक्षित नाम है मेरा। क्या घटना हुई है सर? घटना ये सोनू है, माइक्रो फाइनेंस का एजेंट था, और था या नहीं था अभी बता रहे हैं, बैंक मैनेजर का एजेंट नहीं था, फिर भी उसको बहुत सारी अथॉरिटियाँ बैंक ने प्रोवाइड करा रखी थी। गांव में लाला करके माइक्रो फाइनेंस करा रहा था वो लोगों का। माइक्रो फाइनेंस के बहाने उसने बहुत सारे लोगों के बैंक पासबुक, आधार कार्ड अपने कब्जे में ले रखे हैं, और उन्हीं के आधार पर वो फाइनेंस सेंक्शन कराता है, और सेंक्शन करा करके अपने चौधरी एंटरप्राइजेज एक कंपनी है उसके खाते में कराता है। कुछ लोग हैं उसके मिले जुले, उनके खातों में भी वो पैसा डालता रहा है, बदलता रहा है, चेंज करता रहा है। और हम अभी बलदेव थाना झंडे बस्ते में डाल दी गई है जी। बलदेव थाना गए हुए हम 3-4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि उस पर बीजेपी के नेता का संरक्षण है और हाथ रखा हुआ है। कितने ग्रामीणों का पैसा लेके वो यहाँ से फरार हुआ? कम से कम 80 से 90 लोगों का रिकॉर्ड अभी हमारे पास है। लगभग कितना पैसा लेके गए? कम से 40 से 45 लाख रुपए के करीब लमसम हो सकता है। अभी हमारा तो 26,845 रुपए ले गया है। आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है? कानूनी कार्रवाई के लिए हम बलदेव थाना गए तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। 4 दिन से वो राजकुमार जी हैं, वो हमारे सारी एप्लीकेशनों को ठंडे बस्ते में रखते चले जा रहे हैं। अभी तो कोई सुनवाई नहीं की? कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, किसी को कोई न्याय नहीं मिला है। ये सारा पैसा सब पूरे गांव का है, हमारा नहीं है, पूरे गांव के लोग हैं और एकत्रित हैं, बहुत परेशान हैं, चारों लोग चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई पैसे के बारे में सुनवाई नहीं हो रही है। क्या हुआ है आपके साथ में? चीटिंग करी है सोनू भैया ने, चीटिंग करी है हमारे साथ। लोन देने के बाद ही साइन करवा के घर पे उड़ाते थे अपने, साइन करवाते थे, मुद्दा भी लगवाया था। तो आपको बताया नहीं था इस संदर्भ में कुछ भी? यही बताया था कि ऐसे ऐसे फायदा होगा, ये चीज मिलेगी, वो चीज यानी। कितना पैसा निकाला गया है? 2600 से 45। आपने इसके बारे में कानून में कोई FIR वगैरह की है? मंडे को पता लगाया हमें, मंडे को पता लगाया। अभी तक कानूनी कार्रवाई कोई नहीं की गई है? नहीं, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन उसकी कोई सुनवाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है। क्या कार्य करते हैं आप यहाँ? मेरा काम है कैसे, मैं कैशियर हूँ जी, फाइनेंस में। यहाँ पे ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पे पैसे निकाल के कोई बंदा फरार हो गया जिसका नाम सोनू है। क्या कहेंगे इस संदर्भ में आप? देखो, हमारा काम है, मेंबर का खाता ऊंटा लगता है पहले तो, ठीक है, और हम जिसका ऊंटा लगेगा उसी के खाते में पैसा ट्रांसफ़र होता है हमारी कंपनी से। अब वो उसके पैसे उसकी कंपनी उसके बैंक खाते में से कहाँ जा रहा है पैसा, वो हमें नहीं पता है। हमें तो 2-3 दिन पहले ही पता चला कि ये मैटर यहाँ पर चल रहा है और वो गायब हो गया जब हम यहाँ पर आए चेक करने के लिए। क्या मैटर है वास्तव में, इसकी कहानी क्या है? ये कहानी हमें नहीं पता क्लियर, अब पता चली है आप क्लियर अभी 2 दिन पहले ही।
कि यहाँ पे क्या इस तरीके से पैसा निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता इसे, बिना मेंबर के ऊंटा लगाए पैसा ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है। तो पहले भी तो कभी हुआ होगा, अभी तक 80 कस्टमर है आपके, कितने कस्टमर देखे हैं आपने? क्या मैं आपके खास पैसे निकाल सकता हूँ बिना ऊंटा लगाए? इनका आरोप है कि वो उसने अंगूठे के फिंगरप्रिंट्स हैं, वो फिंगरप्रिंट्स अपने लैपटॉप के द्वारा लिए गए हैं, उसके पास वो फर्जी मशीन है, उसके द्वारा पैसा निकाला है। वो तो वही बता सकता है, मिलेगा जब तक तो कोई कुछ नहीं। तो आप 80 आदमी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, रहने वाले कहाँ के आप? मैं धौलपुर का रहने वाला हूँ। सर ये बलदेव में पटौली गाँव में एक धोखाधड़ी का मामला है, क्या मामला है? इसमें जनपद मथुरा में थाना बलदेव के अंतर्गत एक धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। इसमें सहायता समूह से पैसा वसूल कर अपने खाते में जमा कराते थे और बाद में उसका कोई प्रॉपर जो यूज होता है उन्होंने नहीं किया है। इस बारे में थाना बलदेव पर अभियोग पंजीकृत किया गया है सोनू आदि के विरुद्ध, और इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी जांच करने के बाद। सर कितने पैसे का घोटाला हुआ होगा इसमें? अब ये तो अभी प्रथम दृष्टया जो उन्होंने लिखाया है उस हिसाब से है, और भी इसमें कुछ अधिक पैसा होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि अभी जो मुकदमा लिखाया गया है केवल एक व्यक्ति के द्वारा लिखाया गया है, जिसने अन्य जगह पर भी ऐसा काम किया है, इसमें इसकी संभावना लग रही है कि और अधिक इसमें। TV1 इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा। फिरोजाबाद के प्रसपा के जनसंपर्क में शिवपाल सिंह यादव से मिलने के लिए जनसैलाब उमड़ा। वही देरी से जनसंपर्क के सवाल पर बोले शिवपाल की फिरोजाबाद की जनता चुनाव लड़ा रही तो जनसंपर्क की जरूरत ही कहाँ है। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के अलीनगर कंजरा राजा के ताल व आसपास के क्षेत्र में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व फिरोजाबाद के लोकसभा उम्मीदवार शिवपाल सिंह यादव ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया। इस दौरान स्थानीय जनता ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, साथ ही शिवपाल यादव ने उक्त क्षेत्र में घरों में जाकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। वही सबसे मिलते जुलते सादगी से जनसंपर्क किया। इस दौरान TV1 इंडिया न्यूज चैनल फिरोजाबाद के ब्यूरो चीफ देवाशीष शर्मा से खास मुलाकात की। प्रसपा के लोकसभा उम्मीदवार एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने, आइए देखते हैं एक या स्पेशल रिपोर्ट। सर आज जो जनसंपर्क, जिस तरीके से जनसंपर्क अब लोकसभा के दृष्टिगत सभी पार्टियों का चालू है, आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जो जनसंपर्क है, और किस तरीके का ये जनसंपर्क है और क्या लगता है आगामी इस लोकसभा में, जिस तरीके से एक प्रतिष्ठित सीट है फिरोजाबाद की, तो क्या लगता है आपके हिसाब से? हमारी नई पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, हमारा चुनाव चिन्ह है चाबी जी, और मुझको यहाँ से जनता ने प्रत्याशी बनाया है और हमारा चुनाव यहाँ की जनता लड़ेगी, फिरोजाबाद की जनता लड़ेगी, और आज से हमने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। आज हमारे 24 कार्यक्रम हैं, तो ऐसे ही जनसंपर्क करेंगे। जिस तरीके से सर माननीय नेताजी का जो आशीर्वाद की बात चल रही थी, तो समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है, और प्रसपा की तरफ से क्या स्टंट रहेगा, क्योंकि आशीर्वाद की जो बात थी कि समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद है और प्रसपा को आशीर्वाद है, तो सर क्या लगता है? नेताजी के आदेश से हमने पार्टी बनाई, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, और नेताजी को हमारा समर्थन रहेगा, और 6 सीटों पर हम जो भी सेकुलर पार्टियां हैं उनसे मिलकर के चुनाव लगाएंगे। सर अन्य पार्टी राजनीतिक पार्टियों का जनसंपर्क बहुत पहले शुरू हो गया है, क्या लगता है आपकी पार्टी का जनसंपर्क थोड़ा लेट शुरू हुआ है चुनाव को देखते हुए? हमारा तो जनता चुनाव लाता, जनता के बुलावे पर हम यहाँ आए, और जनता यहाँ का हमारा चुनाव लड़ेगी और बहुत बड़े भारी बहुमतों से हमें जीता। के चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों का इस समय जनसंपर्क चल रहा है, तो प्रसपा कहीं देरी से तो नहीं प्रचार में होती? नहीं, प्रसपा का प्रचार 6 महीने से चल रहा है, इतनी बड़ी 2 रैली हो चुकी है प्रसपा की, एक हमने की, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की हुई, तो प्रचार में प्रसपा कहाँ पीछे है। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष कम समय दे पाए क्योंकि उन्हें पूरे प्रदेश देखना है और प्रत्याशी तय करने, इसलिए बाकी वर्कर साथी कार्यकर्ता पदाधिकारी तो 6 महीने से लगे प्रचार में। तो 19 के चुनाव में जो संरक्षक हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी, तो क्या लगता है वो प्रचार करने भाई का आएंगे या भतीजे के लिए प्रचार करेंगे? देखिए, नेताजी की आत्मा, नेताजी की भावना, नेताजी का आशीर्वाद भाई के साथ है, वो हमेशा रहेगा। नेताजी के ये सगे भाई हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो तो खानदान परिवार के भी नहीं है, वो तो दूर का नाता भी नहीं, कहीं तो खून का रिश्ता खून का होता है,
नेताजी का हमेशा आशीर्वाद है और रहेगा, और हो सकता है नेताजी अपना चुनाव लड़ रहे हैं व्यस्तता की वजह से, लेकिन जो लोग जा रहे हैं उनसे नेताजी ने सबसे कहा कि सतपाल को चुनाव लड़ाइए और जिताइए। लोकसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियों का जनसंपर्क जारी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम पार्टियों के जनसंपर्क इस समय जारी है और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का आज जनसंपर्क राया के ताल अली नगर कैमरा से है और माननीय सतपाल सिंह यादव यहाँ आए हुए हैं, उनके साथ तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, तो बात करेंगे उनसे कि किस तरीके का ये जनसंपर्क है और इतने समय के बाद एक बार पृष्ठभूमि फिरोजाबाद में जो तैयार करनी है उसको लेकर जो जनसंपर्क की कड़ी तैयार हुई, तो पूरा जनसंपर्क किस तरीके से है इसको लेकर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या है लोकसभा फिरोजाबाद की स्थिति।